वारली पेंटिंग की उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई है। वारली पेंटिंग आदिवासी कला का एक रूप है जिसमें महाराष्ट्र के पालघर जिले के शहर शामिल हैं। ये पेंटिंग सबसे पहले शादी में बनती थी, जैसे कि सपोज मेरी शादी रहेगी तो मेरी शादी में एक वेडिंग चौक बनेगा, शादी का चौक बनेगा, उसमें उस चौक में देवी देवता रहते हैं, उनके हम पूजा करते हैं। ये पेंटिंग हम पहले पेपर पर करते थे, टिंटेड पेपर पे, उसके लिए हम चावल का पेस्ट यूज़ करते थे और गोबर यूज़ करते थे, उसमें थोड़ा सा फेविकोल मिक्स करके बैकग्राउंड पे ये लगाते हैं गोबर, और उसके ऊपर राइस का पेस्ट मिक्स करके उसे बनाते थे। लेकिन उसके बाद अभी हम पोस्टर कलर या फिर एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं। पोस्टर कलर वाइट ही क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो पहले के ज़माने में राइस पेस्ट यूज़ करते थे वो वाइट रहता था, वही परंपरा जारी रखने के लिए इस पेंटिंग पे सिर्फ हम वाइट कलर से पेंटिंग बनाते हैं। ये पेंटिंग हम अभी पेपर पे, कैनवास पे, दीवारों पे, ऐसे जगह पर हम बनाते हैं। जो वारली पेंटिंग बनाते हैं वो जो सामने दिखता है, जैसे क्या चल रहा है गाँव में, क्या अभी चल रहा है, सीन क्या है, तो वो सब सोच के थॉट क्रिएट करके हम इस कैनवास पे उतार देते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बनाया कि एक ये इसको हमारे यहाँ पे बावड़ी बोलते हैं, समर वेल है, वो दिखाया मैंने, जहाँ पे शाम के टाइम महिलाएं जो होती है गांव की, वो एक इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए। तो उस टाइम उस पे उस बावड़ी पे जैसे वेल पे क्या हो जाता है, क्या सब अपने अपने घरों से निकल के अलग अलग जगहों से आते हैं, एक ही जगह आते हैं, तो उन सब से सबका बातचीत करने का, कैसे बातचीत करते हैं, अपना काम के साथ बातचीत कैसे करते हैं, वो दिखाया मैंने। और ये जैसे घर में वो पूरा बाकी के जो है सब गांव का सीन दिखाया। आज ये कलाकार अपनी आदिवासी वारली पेंटिंग की देश भर में एग्जीबिशन लगाकर एक अलग पहचान बनाने में लगे हैं।